नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 60% सब्सिडी स्कीम के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आपका खुद का कोई बिजनेस हो लेकिन आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो यह स्कीम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NFDB स्कीम के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे NFDB स्कीम के बारे में, कैसे हमें इसके लिए अप्लाई करना है और कैसे NFDB की मदद से हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं नॉलेज कोर्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप जल्द से जल्द देख पाएं। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड। दोस्तों, NFDB की शुरुआत 2006 में हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की लगभग 60% पॉपुलेशन फिश खाना पसंद करती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडियन फिश की बहुत ही डिमांड है। तो दोस्तों, इसी से समझ में आता है कि यह बिजनेस बहुत ही चलने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मोबाइल में हम अपने क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे या किसी भी सर्चिंग ब्राउजर पर जा सकते हैं। यहां पर हम टाइप करेंगे nfdb.gov.in। तो gov.gov.in करते ही यह वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी। यह वेबसाइट ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए, डाउनलोड में यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर NFDB। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है। यहाँ पर हम पहले आपको हिंदी में डाउनलोड करके दिखा देते हैं और फिर इसको इंग्लिश में डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, इसको मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, यह ओपन हो गई है। यहाँ पर देख लेते हैं हमसे क्या क्या जानकारी चाहिए, इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी मांगी गई है ये देख लेते हैं। इसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, एड्रेस प्रूफ, आपका नाम और आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर चाहिएगी। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये सब आपको यहाँ से भरना होगा, अपनी ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। आपके कितना इस प्रोजेक्ट में खर्च आने वाला है, आपकी ज़मीन खुद की है या नहीं है, या आपने कोई मशीनरी आपके पास है या नहीं है, तो इस तरह की डिटेल्स यहाँ पर जनरल डिटेल्स मांगी हुई हैं। ये सब डिटेल्स आपको इस फॉर्म में भर लेनी है। आइए अब हम आपको बता देते हैं कि इंग्लिश में इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको इंग्लिश वाले फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद ये इसको ओपन कर लेना है। वही सारी डिटेल्स यहाँ पर जैसे हिंदी के फॉर्म में दी हुई थी, तो वही सब डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं जिसे आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। इस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए और मैनुअली भी आप इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट के बारे में कुछ और जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है किस पर्पज़ की वजह से यह NFDB स्कीम शुरू की गई थी, और यहाँ पर नीचे की तरफ सारी जानकारियाँ दी हुई हैं इसमें। और नीचे की तरफ यहाँ पर एक वेलकम टू NFDB है जिसमें डिटेल्स दी हुई हैं कब यह स्कीम शुरू की गई थी और स्कीम के शुरू करने का पर्पज़ क्या था और किस किस को इस स्कीम के थ्रू लाभ मिल सकता है। दोस्तों, यह आप जानकारी इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट से। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ वेबसाइट में ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पर ये आपको हिंदी का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर देंगे। हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, वेबसाइट यह हिंदी में खुल जाएगी। आप यहाँ से हिंदी में भी सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। यह सारी जानकारी इस वेबसाइट की हिंदी में आ जाएगी जिसे आप आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। यह फॉर्म डाउनलोड कर लेने के बाद, प्रिंट कर लेने के बाद दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है। दोस्तों, फॉर्म में सारी जानकारी भरकर और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हमें डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिस में जाना है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारी एप्लीकेशन को स्टेट ऑफिस तक पहुँचाएगा और स्टेट ऑफिस एप्लीकेशन को नेशनल ऑफिस तक पहुँचाएगा। नेशनल ऑफिस से फिर एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो आपकी साइट की विजिट करेगा। सभी तरह की जांच पड़ताल पूरी होने के बाद आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी कितनी मिलेगी इसके बारे में हम आपको बता देते हैं।
दोस्तों जर्नल कैटेगरी को इस सब्सिडी में 60% पैसा अपना लगाना होगा और 40% पैसा NFDB लगाएगा। दोस्तों वुमेन SC और ST कैटेगरी में 40% पैसा हमें अपना लगाना होगा और 60% पैसा NFDB देगा। साथ ही साथ NFDB आपको फिशरीज की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगा और कम जगह में आप ज्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं यह सब भी जानकारी NFDB देगा। NFDB में अप्लाई करते समय फॉर्म के साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जैसा कि आप चेक लिस्ट में देख पा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी लगेगी और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा। आप जिस भी लैंड पर अपना प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी, वह आपका खुद का है या आपने लीज पर लिया है। अगर लीज पर लिया है तो उसके भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे और अगर खुद का है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको जमा कराने होंगे। उसके साथ साथ आपको आपकी जो भी साइट है उसकी एक फोटोग्राफ भी जमा करानी होगी। साथ ही साथ अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको बैंक लोन की भी स्टेटमेंट जमा करानी होगी, या अगर आप खुद ही फाइनेंस करने वाले हैं तो आपको सेल्फ फाइनेंस डिक्लेरेशन भी जमा करानी होगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास है तो वह भी आपको जमा कराना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको NFDB के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आप जल्द से जल्द देख पाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।